नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरों की। झारखंड के धनबाद में लाइफ केयर हॉस्पिटल दुर्गापुर एवं कुमारधुबी स्पेक्ट्रम हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड का जांच शिविर तालडांगा के संयुक्त तत्वाधान में मुफ्त स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 130 से ज्यादा मरीजों ने पहुंचकर इसका लाभ उठाया। शिविर में रक्तदान, रक्त जांच, ईसीजी आदि जांच बिल्कुल मुफ्त में की गई। इधर शिविर में पहुंचे लाइफ केयर के सीईओ एवं चिकित्सकों के स्वागत बुके देकर स्वागत किया गया। इधर लाइफ केयर के सीईओ सत्तादल दत्ता ने कहा कि लाइफ केयर हॉस्पिटल का उद्देश्य कम खर्च में बेहतर इलाज देना, साथ ही उन्होंने कहा कि आज ज़्यादातर अस्पतालों ने इसे व्यवसाय बना दिया है। दत्ता ने बताया कि उनके यहाँ चिकित्सक स्पेक्ट्रम हॉस्पिटल में अपनी सेवा देने का काम करेंगे और बिल्कुल मुफ्त में लोगों का जांच भी करेंगे। इधर श्री दत्ता ने स्थानीय 5 सीनियर सिटीजन को प्रिविलेज कार्ड भी देने का काम किया है, जिनका इलाज बहुत ही कम खर्च में प्रायोरिटी बेसिस में किया जाएगा। इधर स्पेक्ट्रम हॉस्पिटल की MD जयंती चक्रवर्ती ने मीडिया को बताया कि स्पेक्ट्रम हॉस्पिटल निकट भविष्य में आयुष्मान से पंजीकृत हो जाएगा, साथ ही हेल्थ इंश्योरेंस व ESI से भी जल्द टाई अप हो जाएगा, ताकि क्षेत्र के लोगों को किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। वहीं श्रीमती चक्रवर्ती ने कहा कि जल्द ही अस्पताल में ऑर्थोपेडिक सर्जरी, डायलिसिस, पैथोलॉजी, एक्सरे व सोनोग्राफी शुरू करने जा रहा है, जिसकी सेवा क्षेत्र की जनता को 24 घंटे मिलने लगेगी। मधु गौराई की रिपोर्ट।